What is the least four digit number when divided by 3, 4, 5 and 6 leaves a remainder 2 in each case? यहाँ पे इसके कुल चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है। यहाँ पे है एक नंबर जो फोर डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा, और उसको जब आप 3, 4, 5 और 6 से डिवाइड करेंगे तो हर कंडीशन में आपको 2 मिलेगा एज अ रिमाइंडर। तो जब भी आपको कोई लीस्ट नंबर बताना होता है जो किसी भी अलग अलग नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो उसके लिए आप कैलकुलेट करते हो एलसीएम। मीन्स एलसीएम इज द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ऑल द गिवेन नंबर। यहाँ पे सबसे पहले हम इनका कर लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग करते हैं, जिसमें 3 का फैक्टर लिखोगे 3, 4 का फैक्टर लिखोगे 2 to the power 2, 5 का फैक्टर लिखोगे 5 और 6 का फैक्टर होगा 2 and 3। आपको हमेशा एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, इससे एलसीएम बड़ा आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पे जब एलसीएम लिखेंगे तो इसमें जो भी फैक्टर्स यहाँ पे यूज हुए हैं उन सारे फैक्टर्स को लिखना होता है एलॉन्ग विद देयर मैक्सिमम पावर। जैसे यहाँ पे नंबर में 2 आया हुआ है, 3 आया हुआ है और 5 आया हुआ है, और 2 का मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है इसलिए पावर 2 लगाना है, 3 अकेला है, 5 भी अकेला है, ये इसका एलसीएम होगा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 हो गया। मतलब 60 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। लेकिन यहाँ पे बस लीस्ट नंबर नहीं बोला है, उसके साथ उसने कंडीशन लगा रखी है कि वो 4 डिजिट का होना चाहिए। यानी 60 जब आप सबसे छोटा नंबर बता रहे हो जो इन नंबर से डिवाइड होगा, तो इसके जितने भी आप मल्टीपल लिखोगे, ऑल द मल्टीपल्स आर डिवाइडेड बाय ऑल दीज नंबर्स, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राइट डिफरेंट मल्टीपल्स ऑफ द 60। तो जब 60 का मल्टीपल करते हो 16 टाइम्स, तो आपको मिलता है 960, जो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। यानी इसके बाद जो आपको नंबर मिलेगा वो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा, और इसका मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 1020। मीन्स 1020 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो इन सारे डिजिट से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कंप्लीट डिवाइड आपको नहीं बोला हुआ है, बोला हुआ है 2 रिमाइंडर आना चाहिए हर कंडीशन में, इसलिए इस नंबर को आप 2 बढ़ा दो। जब 2 बढ़ा दोगे तो फिर वहां पे डिवाइड करने के बाद जो 2 आपने बढ़ाया होगा वही आपको मिल जाएगा एज अ रिमाइंडर। इसलिए जो आपका करेक्ट नंबर होगा दैट नंबर इज 1022, ये इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। मतलब 1022 वो नंबर है 4 डिजिट का सबसे छोटा, जिसको जब आप 3, 4, 5 और 6 से डिवाइड करेंगे तो हर कंडीशन में आपको 2 मिलेगा एज अ रिमाइंडर। चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे किसी दूसरे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।